इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरपी मंडल बने हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। आरपी मंडल होंगे नए मुख्य सचिव। राज्य सरकार ने जारी किया है आदेश, जिसमें सुनील कोजूर की जगह वो लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, सुनील कोजूर की जगह लेंगे नए मुख्य सचिव। आरपी मंडल छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ त्वरा से बता आशीष तिवारी फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आशीष, जैसा कि अटकलें दो और नामों पर चल रही थी, आखिरकार आरपी मंडल का नाम फाइनलाइज हुआ है, क्या माहौल देखा जा रहा है मुख्य सचिव चुने जाने को लेकर? मंडल को मुख्य सचिव बनाया गया है, मुख्य सचिव की नियुक्ति अब कर दी गई है, राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बीते पखवाड़े में इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ में हलचल थी कि आखिर छत्तीसगढ़ का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। हालांकि सुनील कोजूर, जो कि 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, भूपेश सरकार जब काबिज हुई थी सत्र में, तब उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। 10 महीने का कार्यकाल उनका रहा। उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था कि एक्सटेंशन दे दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार के डीओपीटी ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। और अब जब सरकार के सामने विकल्प केवल दो तीन थे, जिनमें एक आरपी मंडल थे, सीके खेतान थे, इसके अलावा अमिताभ जैन थे, इन तमाम विकल्पों के परे सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो आरपी मंडल हैं वो छत्तीसगढ़ के अगले मुख्य सचिव होंगे। और चूंकि आरपी मंडल की ताजपोशी मुख्य सचिव के तौर पर कर दी गई है, ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल भी राज्य सरकार ने किए हैं। पूर्व मुख्य सचिव जो अजय सिंह थे, उन्हें राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, तो आखिरकार आरपी मंडल का नाम फाइनलाइज हो गया है, जिसको लेकर हलचल तो थोड़ी बहुत जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में आई होगी, क्योंकि दो और ऐसे नाम थे जिन पर चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरकार आरपी मंडल का नाम फाइनलाइज हुआ। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं कैबिनेट में